जो भी चार पांच छह महीने हैं यू वुड ऑल्सो कवर अदर तो FM को एक लिमिटेड टाइम में से हाउ कैन वी टारगेट अ स्कोर ऑफ प्लस ठीक है इन नेक्स्ट डेज दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस और इसके लिए मैं तीन चीजों पे ही फोकस करूंगा इफ यू हैव राइट स्ट्रेटेजी द राइट सोर्सेज एंड द राइट ऑरियंटेशन देन ये 50 डेज के 45 डेज में भी हो सकता है और बाकी ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है अगर 50 डेज में नहीं चलो 60 65 हद 70 डेज में भी कर लोगे ना देन आल्सो यू वुड कवर वन ऑफ ऑफ मेजर पार्ट योर एग्जाम जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है कवर करना ही करना है अनलाइक वेयर यू कैन रिलाई मोर ऑन करंट अफेयर तो इस टेक्निक को आप समझो टेक्निक क्या मैं पूरे एफ के बारे में इन पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा एंड आई होप यू वुड गेट अ गुड आइडिया एज एन हाउ टू अप्रोच एफ एम फॉर योर एग्जाम सबसे पहले क्या सर सेवेंटी प्लस एक क्लिक बेट है कई बार ऐसे ही लिख दिया जाता है कि आउट आउट ऑफ़ ऑफ़ बिल्कुल नहीं पॉसिबल की तो बात ही नहीं करेंगे ये बिल्कुल आपको लाने ही पड़ेंगे बिकॉज इफ यू सी दी स्कोर कार्ड ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ आर स्कोरिंग सेवेंटी प्लस इन एफ और एवरेज स्कोर एमंग सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी सेवेंटी प्लस रहता है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और आपको करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है आप नहीं भी करेंगे शायद तब भी सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप इसमें सिक्सटी लाते हैं देन यू वुड हैव टू रियली वर्क हार्ड इन योर इंग्लिश और यस आई विच इज इवन टफर आई वुड से यस इज वेरी मच अनप्रडिक्टेबल एज कंपेयर टू एफ तो सबसे पहले दो ही चीजें मैं बताऊंगा आपको एक तो आप ईयर पेपर्स को जरूर देखें बिकॉज यहां से जो मैं ऑरिएटेशन की बात कर रहा हूं वो आपको पता लगी कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं,

Year paper से ही क्लियर होंगी एंड वन मोर थिंग राइट नाउ स्टार्ट इन जॉइंग इट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प ये दो चीजें जरूर कीजिए यह धीरे धीरे होंगी एकदम नहीं होंगी ऐसा नहीं है कि पास्ट ईयर पेपर उठाए और एक घंटे में खत्म हो गए दिस इज अगुलर थिंग जो आप

most of the chapters if you see i mean just just let me highlight some chapters alternate sources of finance public private partnership private and social cost benefit financial inclusion digital payments non banking system role of it in banking i mean these have nothing to do with finance even if you see other chapters they are not core finance which is studied by mbas or cfas एक ही यूनिट है जो आपको मैक्सिमम तंग कर सकता है दैट इज यूनिट नंबर एट दिस इज बिट टेक्निकल बिकॉज यू वुड हैव टू लर्न अबाउट अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एंड कैश कैश्लोज बट डूएबल है थोड़ा टाइम लग सकता है इस एक यूनिट में बट इस एक यूनिट का वेटेज इतना ज्यादा नहीं है कि कुछ पंद्रह बीस नंबर का पेपर यहां से आएगा मोर ओवर इफ यू सी दुमरिकल सम ऑफ नोट विच इज द मोस्ट फ्राइटनिंग थिंग आई वुड से इन एफ यहां पर वेटेज बहुत कम हो गया है

बैलेंस पेपर रहता है इफ यू सी इन इन मोस्ट ऑफ दी फर्स्ट टॉक अबाउट में बताऊंगा वेरी जनरिक चैप्टर लाइक मोटिवेशन रीडरशिप कॉम्युनिकेशन वेन यू रीड यू विल फाइन दैट यू आर एबल टू रिलेट देम विद योर डेली लाइफ उनको बस एक सर्टन फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है जो आपको समझना है तो चैप्टर्स जनरिक है लिमिटेड स्कोप है बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है और कुछ करंट अफेयर्स भी नहीं है इनमें सो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग कंपोनेंट एफ एम में सेवेंटी so, प्लस तभी आएंगे आई वुड सेबल टू स्कोर फोर्टी और फोर्टी फाइव आउट ऑफ 50. फाइनांस में शायद उतने ना आए बट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी स्कोरिंग द ओनली चैलेंज इन मैनेजमेंट दैट यू आर गोइंग टू फेस इज के आपको थ्यूरीज बोरिंग लग सकती हैं थोरेटिकल लग सकती हैं

अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कीजिए एंड फॉर दैट यू रीड दी चैप्टर ट्राई टू एमसीक्यूज़ जितने अंडरस्टैंडिंग बनेंगी एंड ट्राई टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज सो दिस इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैनेजमेंट इसमें और ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है यू कैंट एफोर्ड टू लीव एनी ऑफ दिस चैप्टर दर इज नथिंग कॉल्ड वेयर बिकॉज 45 फॉर्टी फाइव 50

इन टॉपिक्स को आप इस बुक में से पढ़ सकते हैं आर अदर बुक्स ऑन एथिक्स एथिक्स बट कोई पेपर नहीं है आपका सेपरेट जस्ट वन ऑफ दी जिसमें से एक आधा ऑब्जेक्टिव या एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा तो ये डुएबल है एथिक्स और कॉपरेट गवर्नेंस के लिए कोई बहुत ज्यादा किताबें मत पढ़िएगा यहां से हो जाएगा और एक चीज मैं आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे बिफोर आई मूव ऑन टू दी फाइनेंस पार्ट

राइट आफ्टर कवरिंग फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट आप उसको कर लीजिए उसमें से कभी कभी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं उन थ्योरीज में से मोटिवेशन और लीडरशिप की जो सिलेबस में नहीं है बट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं तो टाइम लगे तो कर लीजिए दैट कैन गिव यू अ गुड एज इन द एग्जाम उन लोगों की बदौलत उन लोगों के कंपैरिजन में जो नहीं कर कर जाएंगे नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंस पोर्शन ठीक है फाइनेंस में अगर आप ओवरऑल वेटेज देखेंगे स्टैटिक और करंट का सो दिस इज नॉट कंप्लीटली स्टैटिक लाइक मैनेजमेंट बट करंट का is over some years. पहले 10 15 परसेंट आता था यू सी दी लास्ट ईयर पेपर इट्स लाइक फाइव परसेंट करंट तो यहाँ पे ओवरऑल ये एक पैटर्न रहता है एज्यूमिंग फाइनेंस 50 मार्क्स का आएगा अगेन इट कैन वेरी इट कैन बी फिफ्टी मार्क्स और फोर्टी मार्क्स से ऑब्जेक्टिव उसमें से पच्चीस मार्क्स का सब्जेक्टिव इज लाइक मार्क्स ऑब्जेक्टिव में से बी अराउंड 17 टू 18 मार्क्स तो, करंट वुड बी 7 टू 8 मार्क्स इन दिस ऑब्जेक्टिव पेपर एंड इफ आई टॉक पेपर व्हिच इज अगेन 25 मार्क्स मार्क्सर माइट बी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट ऑफ फिफ्टीन मार्क्स ठीक है ऑब्जेक्टिव में भी स्टार्टिकंट मिक्स आएगा इफ आई टॉक अबाउट दिस दिस स्टार्टिक पार्ट राइट ऑब्जेक्टिव में ज्यादा स्टार्टिक पार्ट आ रहा है फाइनेंस का सिलेबस बहुत ही वास्ट है बट इफ आई वॉन्ट यू टू कि सेटेंट है और कोर भी है यू वुड है केक वर्क यही कोर है इसको ही टाइम लगेगा यही इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर्स हो जाएंगे छोड़ना नहीं है बट हो जाएंगे तो ये कुछ चैप्टर्स हैं आप वीडियो को पॉज कर कर लिख सकते हैं इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कैश फ्लो एंड रेशियोस प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट रिस्क मैनेजमेंट इन्फ्लेशन डेरिवेटिव्स बॉन्ड्स फंक्शंस ऑफ आरबीआई फिस्कल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यून तुम्हारी ये आठ नौ चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं यहां पे थोड़ा दम भी लगेगा दिमाग भी लगेगा टाइम भी लगेगा बी पेशेंट रेस्ट ऑफ दी चैप्टर्स कैन बी डन वेरी क्विकली जो हमारा ये वाला पोर्शन है करंट वाला ऑब्जेक्टिव में अब इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज आर बी नोटिफिकेशन लास्ट ईयर दे आज यू सम स्कीम्स समीम विच बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाइक नो सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑल दैट बट दैट इज वेरी रेयर आई डोंट एक्सपेक्ट दैट वुड बी रिपीटेड एवरी ईयर बट लेट सी मे बी इट बिकम्स अ ट्रेंड अगर इस साल भी आया है बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे हर साल आरबीआई नोटिफिकेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आरबीआई आरबीआई नोटिफिकेशन हो हो गया गया या फिर एनुअल रिपोर्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इन इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देर इज एनी डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर सेबी ने कोई रेगुलेशन पास की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई इंपॉर्टेंट uh, चीज डिक्टेट की है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बाकी यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे इसमें से ज्यादा आता नहीं है बट यू शुड ऑलवेज रीड इट स्पेशली लग रहे हैं और बाकी कुछ जनरल न्यूज होती है से related, that also आपको पढ़ लेनी चाहिए कभी कभी बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सो दिस इज मेनली करंट अफेयर रिलेटेड टू फाइनेंस इन दी ऑब्जेक्टिव पार्ट नाउ मूविंग ऑन टू दी सब्जेक्टिव पेपर जहां पे 25 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं लाइक इट इट विल वेरी बीस का आ गया कभी तीस का आ गया जो स्टैटिक पार्ट है दैट द प्रिपरेशन रिमेन्स सेम सेम ऑलमोस्ट आई आई मीन चैप्टर्स चैप्टर्स वांट यू टू डू सो मैंने जो ऑब्जेक्टिव में बताए थे ये करने ही करने हैं यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है अगेन यू कैन नॉट पिन पॉइंट के मैं ऑब्जेक्टिव के लिए ये करूंगा सब्जेक्टिव के लिए ये करूंगा ये चैप्टर्स तो करने ही है बट स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्टिव पार्ट यू हैव टू रीड अदर चैप्टर्स ऑल्सो जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ये चैप्टर्स है ही ज्यादा सब्जेक्टिव ऑरियंटेशन के तो इनको छोड़ना नहीं है बट वेन यू रीड अ सर्टन चैप्टर फ्रॉम सब्जेक्टिव दिसियंटेशन इट बिकम्स लिटिल इजियर बिकॉज यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ एंड एंड अंडरस्टैंड ईच टर्म एवरी लाइन तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा उसको ज्यादा टाइम मत देना बट समझना क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्टैटिक से आ गया और आपको नहीं आता है यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टेन मार्क्स से उट दी स्टैटिक पार्ट हेयर ठीक है मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में लास्ट uh, में मैं आपको बताऊंगा और एक स्टडी प्लान भी दूंगा इस सबको कवर करने के लिए एंड अबाउट दिस करंट जो ये करंट डिस्क्रिप्टिव में आता है नाउ दिस इज वेरी रैंडम इन देंस दैट दिस वुड बी रिलेटेड टू करंट अफेयर आई आई कुड रिमेंबर लास्ट ईयर दे अवर क्वेश्चन फ्रॉम ओ एन डी सी and RBI's retail direct scheme and on UPI which were more or less in news. तो यहाँ पे आपको I think the best way you can be aware of the current affairs and you will be prepared for the descriptive answers is to read lot of editorials. इसीलिए मैंने शुरू में आपको बोला था कि newspaper पढ़ने की आदत डालिए उसमें editorials पढ़िए. Finance के लिए अगर आपको current affairs descriptive orientation वाले पढ़ने हैं the best way to do that is to read editorials in the newspaper Life Mint. ठीक है तो वो आप जरूर कीजिए वो इकट्ठे नहीं होगा इफ यू थिंक दैट मैं लास्ट में जाके कुछ सौ एडिटोरियल्स पढ़ लूंगा दैट इज नॉट गोइंग टू टू हैपन यू यू हैव स्टार्ट राइट नाउ रीड वन डेली इन नेक्स्ट डेज विल टच अपॉन टॉपिक्स क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से घूम फिर के आता है तो ये जरूर कीजिएगा एंड दीज आर दी दोर्सेज देखिए सबसे पहले फाइनेंस स्टैटिक के लिए स्टैटिकलीर इज नो स्टैंडर्ड सोर्स इन द मार्केट फ्रॉम वेयर यू कैन कवर एवरीथिंग आई वुड से बट स्टिल ये कुछ Macmillan की बुक्स हैं इनके नए वर्जन आ गए होंगे अब बट इनमें से आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा बट मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस वुड बी कवर्ड इन दीज बुक्स सो एटलीस्ट यू कैन सी दी इंडेक्स यू कैन कवर टॉपिक्स इन मोर डेप्थ बाय लुकिंग इनटू दैट इंडेक्स एंड सर्चिंग ऑन गूगल बट इसमें से आपको समझ नहीं आएगा ये दो किताबें हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग बाय मैकमिलन एजुकेशन एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मैकमिलन एजुकेशन ये पुरानी है उसके बाद ये बुक्स चेंज हो गई हैं इनके नाम भी शायद चेंज हो गए हों बट ये पुरानी बुक्स भी शायद आपको मिल जाएंगी ठीक है बाकी देर आर सर्टन चैप्टर्स इन योर फाइनेंस सिलेबस सच एज इन्फ्लेशन बजट फिजिकल पॉलिसी फंक्शन ऑफ आर बी आई काइंड ऑफ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स सो उसके लिए यू कैन रीड इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह इट्स अ वेरी गुड बुक यूज बाय सिविल सर्विसेज एस्परेंट बट इट इज इक्वली गुड फॉर आरबीआई ग्रेड आई बी तो आप इसको पढ़ सकते हैं This is a good thing. Current affairs, I told you that RBI notifications are very important. So, go to the RBI website, read on the RBI notifications. Then, there is a Live newspaper. So, RBI notifications, which jo bhi financial sector se related news, hai, uh, se ki, Ministry of Finance, ki, that you would have to cover from Live And keep reading editorials in this, as I have told you earlier. And there are some other reports, annual report by RBI. रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई इसका नाम शायद रिपोर्ट्स ऑन प्रोग्रेस एंड ट्रेंड्स है वो आप देख लीजिएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाई आरबीआई एंड देर इज वन मोर रिपोर्ट करेंसी एंड फाइनेंस सी एंड एफ करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट बाई आर बी आई ये भी आरबीआई की है तो ये चारों रिपोर्ट आपको पढ़नी है से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है एंड देन देर इज यूनियन बजट जो की मतलब एक कस्टमरी आपको करना ही पड़ेगा दो अभी यूनियन बजट से मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं ऑफलेट सो दिस इज अबाउट दी करंट अफेयर रिलेटेड सोर्सेस फॉर फाइनेंस बाकी डिस्क्रिप्टिव में देखिए डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर्स में तो मैंने देखा क्वेश्चन कुछ भी रैंडम आ सकता है ना उनको बहुत अच्छे से कीजिएगा मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि ये पुराना सिलेबस है पहले होता था और उसमें एक टॉपिक था इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ टू थाउजेंड बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब इंडिया इन टू थाउजेंड एट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो मैं ये कह रहा हूं जो भी सिलेबस में टैग्स हैं वर्ड्स हैं उनसे जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं वो आप जरूर कीजिए उनमें से एक दो भी आ गए आपको मतलब दो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हो गए ना सारे नहीं आएंगे बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे सिमिलरली इफ आई नो शो यू इन मैनेजमेंट आइडेंटिफाई बैरियर्स टू इमर्सनल एंड इंटरपर्सनल कॉम्युनिकेशन एंड हाउ अ मैनेजर कैन रिड्यूस इट तो यहाँ पे सीधा दिया हुआ है बैरियर्स टू कॉम्युनिकेशन ये टैग से ये क्वेश्चन बन गए ठीक है ऐसे ही जैसे ये रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टूडेज बैंकिंग सेक्टर आर वर चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट तो ऐसे टैग को उठा के आप क्वेश्चन बनाइए एटलीस्ट उनपे प्रैक्टिस कीजिए दो भी आगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा सिमिलरली यहां पे रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है टैग में और क्वेश्चन भी ये आया था कि डिस्क्राइब मैनेजर्स रोल इन एनकरेजिंग एथिकलियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इसी टैग से रिलेटेड था तो इस तरह से टैग्स को यूज कीजिए सिलेबस में जो है आइडेंटिफाई कीजिए उन पे क्वेश्चंस बनाइए प्रैक्टिस कीजिए आपको चार क्वेश्चन करने हैं शायद दो तो आपके डायरेक्ट हो जाएं दो में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे बट यू वुड ऑलवेज बी एबल टू राइट इट इफ यू आर इफ यू आर डन विद योर करंट अफेयर्स सो दैट इज द होल स्ट्रेटजी और ये एक मैं ब्रीफ टाइम टेबल दे रहा हूं ठीक है इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा एज पर योर नीड्स अगर आप डेली साढ़े तीन घंटे लगाते हैं सपोज तो उसमें से आप अराउंड टू पॉइंट फाइव आवर्स डे वन टू ट्वेंटी में मैनेजमेंट पढ़िए बाकी जो एक घंटा है उसमें आप एक एडिटोरियल नोटिफिकेशन और आंसर राइटिंग ठीक है ये डेली नहीं पढ़नी है आरबे नोटिफिकेशन दो तीन आती हैं एक वीक में उनको पढ़ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर राइटिंग भी ये राइटिंग की स्पेलिंग गलत है यहां पे थ्री टाइम्स अ वीक ट्राई टू डू इट इफ नॉट थ्री टाइम्स एटलीस्ट टू टाइम्स और अगर आप दो बार कर रहे हैं एक टाइम इसमें से आप स्टैटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और एक टाइम आप करंट अफेयर्स वाला कीजिए जो भी आप एडिटोरियल में पढ़ रहे हैं उसी पे क्वेश्चन बना के आप प्रैक्टिस कीजिए सो so, इस तरह से अगर आप टाइम डिवाइड करेंगे तभी होगा लोग क्या करते हैं सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं आरबे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं तो बाद में इतना ज्यादा लोड आ जाएगा यू विल रियलाइज दैट दो यू हैव रेड मैनेजमेंट बट दॉड ऑफ अदर थिंग्स विच यू हैव नॉट टच दर लॉर्ड ऑफ अदर स्किल्स विच नॉट गर्नड तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है ऐसे यहां पे भी आप ढाई से तीन घंटे फिनांस पढ़िए अपना थर्टी डेज ट्वेंटी डेज में हफ्ते में यहां पे भी दो तीन आरबी नोटिफिकेशन आती है हफ्ते में कीप रीडिंग कीप रीडिंग वन एडिटोरियल और आंसर राइटिंग कीजिए थ्री टाइम्स अ वीक ठीक है थ्री नहीं तो टू जैसा मैंने वहां पर बताया स्टैटिक और करंट को मिक्स करके अगर इस प्लान से चलेंगे तभी एफएम का पूरा तैयारी होगा

एंड फॉर आरबीआई एग्जाम आरबीआई एग्जाम से रिलेटेड तीन चीजें आपको यहां पर मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है पी वाई क्यूज डिटेल्ड सिलेबस एंड डिटेल्ड बुकलेट सो डाउनलोड दिस फॉर प्री देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो डाउनलोड करो पढ़ो एंड गेट टू नो बाई योर सेल्फर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं एंड दिस इज आर नो दीज आर व कोर्सिस फॉर आरबीआई ग्रेड बी

ऑफ दिस वीडियो उस पर क्लिक करो सैंपल मटेरियल को डाउनलोड करो डू चेक बाय योरसेल्फ क्वालिटी कैसी है कॉम्प्रीहेंसिव है या नहीं कॉम्प्रीहेंसिव होना बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन रिलाई ऑन दैट वन सोर्स कंप्लीटली एंड इफ यू फील इट टू बी गुड यू आर ऑलवेज वेलकम टू बी पार्ट ऑफ टैब कमिटी थैंक यू बाय